अफगानिस्तान भी भारत की तरह जंगी जुनून में पागल। अफगान बॉर्डर पुलिस की मर्दमशुमारी की ड्यूटी पर मामूर, एफसी अहलकारों पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। दो खवातीन और बच्चों समेत 8 पाकिस्तानी शहीद, 4 सिक्योरिटी अहलकार और 42 शहरी जख्मी। वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी। चमन बॉर्डर आमदोरफ्त के लिए बंद। क्वेटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। चमन बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की फायरिंग पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। तर्जुमाने दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी सिर्फ एक मसला है, किसी मसले का हल नहीं। भारत अफगान सरजमीन अपने मज़मूम मकासद और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा। पनामा केस, नाम मिल गए सुप्रीम कोर्ट का आज ही जेआईटी तश्कील देने का फैसला। चेयरमैन एसईसीपी, गवर्नर स्टेट बैंक और अटर्नी जनरल हासिर। ऑफिसर्स की लिस्टें पेश, नवाज शरीफ को झूठा नहीं कहा। एक लीडर ने कौम से झूठ बोला, सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। जस्टिस एजाज अफजल, सोशल मीडिया और मीडिया को काबू करना आता है। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर दाखला चौधरी निसार की मुलाकात। न्यूज लीक्स के मामले को जल्द हल करने पर इत्तफाक। पनामा लीक्स पर भी तबादला ख्याल। अपोजिशन जमातों के एहतजाज और पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी के मामलों पर भी बातचीत। साबिक सदर परवेज मुशरफ के खिलाफ संगीन गद्दारी मुकदमे की समाअत 19 मई तक मुलतवी। अकरम शेख को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। खुसूसी अदालत का परवेज मुशरफ के वकील फरोख नसीम के दलाइल सुनने से इनकार। परवेज मुशरफ को इश्तिहारी करार दे चुके हैं जस्टिस याहिया आफरीदी। उधर परवेज मुशरफ ने पाकिस्तान आने के लिए खुसूसी अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी। बूटी माफिया ने सिंध में इंटर के इम्तिहानात को मजाक ही बना दिया। कराची बोर्ड का केमिस्ट्री और सक्खर बोर्ड का उर्दू का पर्चा आउट हो गया। फोटो स्टेट की दुकानों पर 100 रुपए में बासानी दस्तयाब। बोर्ड इंतजामिया नकल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। बूटी माफिया ने सोशल मीडिया के जरिए भी नकल करने के नित नए तरीके ढूंढ लिए। मोबाइल फोन लाने वाले तालबिल पर नकल का केस बनेगा। वज़ीर तालीम सिंध जा महताब इम्तिहानों में नकल कर बरहम। चेयरमैन इंटर बोर्ड और डीजी कॉलेजेस को तलब कर लिया। नकल की रोकथाम के हवाले से तहरीरी वजाहत मांग ली। कहा कि उन समेत सब स्टेक होल्डर कसूरवार हैं। नकल पर तशवीश है। व्हाट्सएप पर पर्चा आउट होने का मामला FIA के सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लोड शेडिंग, पनामा, डॉन लीग्स और अवामी इश्यूज पर मुस्लिम लीग नून पर मजीद दबाव बढ़ाने का फैसला। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं हुक्मरानों ने गलत बयानी से लोगों से वोट लिया। लोड शेडिंग खत्म हुई ना आवाम के मसाइल हल हुए। गवर्नर सिंध शाह से ज्यादा शाह की वफादारी न करें। तहरीक इंसाफ आनो शहरा में सजाएगी मैदान। खिलाड़ियों से खिताब करेंगे कप्तान। अपनी कारकर्दगी बताएंगे और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाएंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। मेरा जुर्म मेरी गुर्बत, नल का चोरी करने का इल्जाम। दरिया खान में सफाक वडेरे का मजारे पर तशद्दुद। मुंह पर जूते मारता रहा और नाक से लकीरें निकलवाता रहा। तशद्दुद के बाद गांव बदर कर दिया। वडेरे के खौफ से गरीब मजारा रुपोश। पुलिस कार्रवाई से इनकारी। हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। रोजनामा 92 न्यूज़ की मकबूलियत का सफर जारी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भी सबसे आगे। 92 न्यूज़ की कराची से इशाद के तीसरे रोज गुलशन इकबाल न्यूज़ डिपो पर केक काटा गया। रोजनामा 92 न्यूज़ कराची के एडिटर सईद खाबर और अखबार फरोश शाहनुमाओं की शिरकत। कराची में रोजनामा 92 न्यूज के कामयाब इजरा के बाद 92 न्यूज का ट्रेन कारवां लाहौर के लिए रवाना हो गया। नवाब शाह रोहड़ी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मेयारी खबरों की वजह से रोजनामा 92 न्यूज ने कराची के लोगों को अपना गर्विदा बना लिया।
क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, वो छोड़ो ये न सोचो। वेस्ट इंडीज ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 106 रन से शिकस्त दे दी। खेल के आखिरी दिन पाकिस्तानी टीम 188 रन के ताकुब में सिर्फ 81 रन पर ढेर। ना बड़े दर्शन छोटे, अजहर अली 10, बाबर आजम 0, यूनस खान 5, मिसबाउल हक 0, असद शफीक 0, अहमद शहजाद 14 और शादाब खान 1 स्कोर रन बना सके। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, शर्जील और खालिद लतीफ पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट के सामने पेश, आज जवाब जमा नहीं कराया, 10 मई को जवाब जमा करवाएंगे। पीसीबी से मजीद जरूरी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वकील शर्जील खान। जज्बादिला घर में चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, भारतीय जोड़े ने 25 साल की अनथक मेहनत से बंजर जमीन को जंगल बना दिया, जहां खूबसूरत और नायाब चरिंद परिंद मौजूद हैं। मियां बीबी 1991 में अमेरिका से भारत मुंतकिल हुए, 25 एकड़ जमीन खरीदी, कोशिशों में लगे रहे, आखिरकार कामयाबी ने कदम चूमे।